श्रीलंका के सालाना न्यू ईयर फेस्टिवल का इनेकाद गुज़श्ता दिन दुबई के कुले पार्क में हुआ, जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका के कौंसल खानों के स्टाफ को मदऊ किया था। इस मौका पर खैर सगाली के तौर पर आपस में रस्सी-कशी के मुकाबले हुए, जिसमें पाकिस्तान ने चीन को हरा दिया और जीत अपने नाम कर ली। मुतज़किरा तकरीब में कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान दुबई के कौंसल जनरल अहमद अमजद अली थे, जबकि रस्सी-कशी और दीगर खेलों में हिस्सा लेने के लिए कौंसलेट की तरफ से अहमद शामी, सैयद मंसूर अब्बास शाह वगैरह शामिल थे। इस मौका पर पाकिस्तानी टीम के कप्तान अहमद शामी ने कहा कि बैरूनी मुल्क दीगर ममालिक के साथ इस तरह की तकरीबात में शिरकत से दूसरे ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात फरोग पा सकते हैं, लिहाजा मुस्तकबिल में भी ऐसी तकरीबात का इनेकाद होता रहना चाहिए। श्रीलंकन कौंसलेट की तरफ से जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामात और तहफ भी दिए गए।